आपने बहुत जगह सुना होगा कि लीवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट लीवरेज ट्रेडिंग होती क्या है एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आपको रिलायंस के 250 शेयर बाय करने, जिसका अभी करंट प्राइस है 2580, तो आपको 6,45,000 रुपीज देने होंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो इस 6,45,000 की जगह पे आपका काम 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपए देके आप 6.5 लाख के शेयर्स उठा लिए। दिस इज कॉल्ड अ लीवरेज, मतलब पैसा कुछ अमाउंट भरा और उससे आपने लीवरेज पे शेयर्स उठा लिए। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, लेट से रिलायंस का प्राइस 10% से गिर गया तो आपको लॉस कितना लगा, 64,500 रुपीज का। अगर यही लॉस अपनी बेस कैपिटल जो कि अभी 1.5 लाख रुपए थी उस पे देखोगे तो 40% ऑफ द कैपिटल उड़ जाएगा। ऑल द प्रॉफिट में भी सेम चीज होती है, अगर प्रॉफिट आएगा तो भी ऊपर आएगा, लेकिन एज अ बिगिनर आपको लीवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ओवरनाइट आप ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर्स में तो 100% आपको अपने अकाउंट में पुट रखनी चाहिए हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इसी तरीके से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।